ये व्यवसायिक चैनल नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के गंडे ताबीज या मुद्रिकाएं वगैरह नहीं बेचे जाते। इस चैनल का उद्देश्य केवल साधकों और साधना में रुचि रखने वालों को ज्ञान प्रदान करना है। हमारे यहाँ सभी साधनाएं हमेशा से निःशुल्क कराई जाती रही हैं और निःशुल्क ही कराई जाती रहेंगी। हम साधक हैं और हम चाहते हैं कि नए साधक तैयार हों। हम तंत्र को वापस उन्हीं बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं जहां कभी यह था। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अप्सराओं का जो नाम है वो बहुत फेमस हो चुका है और कई तरह की विशेष तरह की साधनाएं लोग करवाते आ रहे हैं। मैंने भी अप्सराओं की बहुत तरह की साधनाएं आप लोगों के लिए दी हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नई साधना देने जा रहा हूं। इस साधना के बारे में आपको पूरे गूगल पे, यूट्यूब पर, कहीं पर भी किसी को कोई जानकारी नहीं है और बहुत ही दुर्लभ इसका प्रयोग है। ये साधना एक जो विशेष अप्सरा होती है, सुगंध मोदनी नाम है इसका, सुगंध मोदनी अप्सरा। यह साधना जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके कमरे में, रूम के अंदर हल्की हल्की सी एक सुगंध आती है, भीनी भीनी सी खुशबू आती है। इस साधना को संपन्न करने के बाद साधक के शरीर से भी एक भीनी भीनी सी एक खुशबू आती है, हल्की हल्की सी सुगंध का झोंका उसके शरीर से फूटता रहता है। आप कितने भी नहा लो, कितने भी धो लो, लेकिन जो इत्र की जो एक विशेष महक है वो आपके शरीर से आती ही आती रहती है। इसलिए इस अप्सरा का नाम सुगंध मोदनी अप्सरा है। यह अप्सरा राजसिक प्रशासनिक कार्यों को करने में बहुत महारत रखती है और इस अप्सरा का जो विशेष गुण है वो होता है वशीकरण का। किसी भी भाई को यदि वशीकरण करना है, किसी भी भाई को किसी का वशीकरण करवाना है, उसके लिए यह साधना एकदम बेस्ट और बेहतर साधना है। इस अप्सरा की एक और विशेष है, इसके अंदर एक विशेष गुण और होता है जो किसी भी अन्य अप्सराओं के साथ नहीं होता। यदि आप किसी अन्य अप्सरा की साधना करते हैं तो वह अप्सरा अपने ही स्वरूप में आपके साथ रहती है सारे जीवन भर, लेकिन इस अप्सरा में ऐसा नहीं होता। इस अप्सरा को यदि आप किसी भी अपने फ्रेंड के रूप में, किसी भी, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई प्रेमिका है या कोई भी अन्य स्त्री है, यदि आप उसे उसका रूप दिखाते हैं तो यह अप्सरा उसी के स्वरूप को धारण करके आपके साथ में जीवन में निवास करती है। ये उसी का रूप धारण कर लेगी और उसी की तरीके से जीवन आपके जीने लगेगी। आपको इसके जो डर है, भय है, दहशत है, आप जब आप संकल्प लिया जाएगा तभी आपको बोध करा देना है कि मुझे इस रूप में आपको सिद्ध करना है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी रूप में, जो अन्य रूप होते हैं इन रूपों में ही आपकी इसकी साधना करनी है। तो यदि आप प्रेम का रूप दे रहे हैं और अपने किसी भी अपनी किसी लड़की का, कोई भी आपकी वो है, आप यदि उसे दिखा देते हैं तो ये उसी रूप में ही आपको सिद्ध हो जाएगी। आपकी जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी, आपका जो मन का जो भाव है वो आपको सिद्ध होगा। तो ये एक विशेष और दुर्लभ कोटि का प्रयोग है। यह तरह की साधनाएं जो हैं बहुत दुर्लभ होती हैं, हर आसानी से ये साधनाएं ना मिलती हैं ना ही इन्हें कोई कराने वाले साधक आज मौजूद हैं। मैं आपको ये दुर्लभ साधना और प्रयोग दे रहा हूँ। यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन आराम से शुरू किया जा सकता है। बंद कमरे में ही आपको घर पर रह करके ये साधना सिद्ध करनी है। इस साधना से भी आपको, आपकी फैमिली को किसी भी तरह का कोई डर भय किसी भी तरह का नहीं होता। आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, या जिस लेडीज का भी आप इसे रूप दोगे उस लेडीज को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ये नहीं आ सकती, ना ही ये डराती है, ना धमकाती है, ना कुछ और करती है। तो ये सप्तरा के बारे में आपको जो भी कोई सवाल हो, जो भी कोई आप लोगों की जिज्ञासा हो, वह सब आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी साधना की संपूर्ण विधि बताएंगे और यह प्रयोग मात्र 3 दिन का है। 3 दिन में ही अप्सरा सिद्ध हो जाती है और आपके समस्त कार्यों को करने लग जाती है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी आप हमारे केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।